जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री जीएम सरूरी हमारे साथ हैं, गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। सर, क्या लग रहा है कि उन्होंने लंबी चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है, उसके बाद उनका मन कैसा था? बहुत खुश, क्योंकि लोग उनके साथ हैं ना, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। उन्होंने सैकड़ों चीफ मिनिस्टर बनाए, उन्हें सैकड़ों राज्यसभा मेंबर बनाए, उन्हें सैकड़ों थाउजेंड के हिसाब से पार्लियामेंट मेंबर बनाए आज इन 50 सालों में। लिहाजा उन्हें सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और वो एक सेकुलर लीडर हैं, वो लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इतिहाद को, आपसी भाईचारे को, आपको बरादरी को, कोई उनसे नफरत नहीं, कुछ नहीं, उनको यकसां देखते हैं। वो एक ही लीडर है, वो है गुलाम नबी आजाद। 50 साल तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, जिसमें से 40 साल तक वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, यानी कि पार्टी ने तो उनको सब कुछ दिया, फिर अचानक वो कांग्रेस पार्टी से इतने नाराज क्यों हो गए? देखिए, कांग्रेस तो डूबती रही है, कांग्रेस तो अब उनका कमजोर होती जा रही है। जब इन्होंने जो सजेशन दी थी, जब उन सजेशन पे वो चले नहीं, उन सजेशन पे अमल किया नहीं, फिर तो चारा क्या था? और फिर तो उसके बगैर कोई चारा नहीं था रिजाइन देने के बगैर। लिहाजा लोगों की मर्जी से, विधायकों की मर्जी से ये उन्होंने रिजाइन दिया। लिहाजा क्योंकि वो एक स्टाल वाला लीडर है, जम्मू कश्मीर में खास करके उनकी ज़रूरत है, वहाँ का बच्चा बच्चा उनके लिए मरने के लिए तैयार है, बच्चा बच्चा उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, रिजिग्नेशन देने के लिए तैयार है। लिहाजा अल्लाह करे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के आइंदा चीफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की थी जब राज्यसभा से विदा हुए थे, क्या कोई चांसेस है कि वो बीजेपी? प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ नहीं, प्रधानमंत्री ने उनके कामों की तारीफ की। प्रधानमंत्री उनके डिसिप्लिन, उनका सेकुलरिज्म का तरीका, और उनके नीति और साफ सुथरा और पाक इंसान होने के नाते उनकी तारीफ की। बीजेपी जाने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मसला ही नहीं पैदा होता है। अपनी पार्टी बनाएंगे? वो तो बनानी है, फिर पार्टी तो बनानी, उसके बगैर थोड़ा रहेंगे कि पार्टी नहीं बनाएंगे। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। यानी कि आपने देखा कि साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाएंगे, उनके करीबी सहयोगी जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका ये कहना है। रमन कुमार, दिल्ली, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।